कि चीन जो दिवाली पर सबसे ज्यादा बिजनेस भारत से कमाता था अब वो नुकसान पा रहा है। हुआ ये है कि आरबीआई सीक्रेट मिशन एक बार फिर एक और दिवाली चीन के लिए नुकसान भरी साबित हुई। ओके आरबीआई ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। दिवाली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री में तगड़ी गिरावट से चीन को करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। चीन के लिए नुकसान बहुत बड़ा है। कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता और नतीजतन मुल्क की हालात सबके सामने है। और सबसे अच्छी चीज के इस बार वो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स लोग ने कम पसंद की, दिए ज्यादा पसंद किए जो कि मेड इन इंडिया थे। ऐसे वहां पर ये सोचा गया, ट्रेंड चलाया गया, ये अवेयरनेस पैदा की गई कि चाइना की प्रोडक्ट्स का इस दफा बायकॉट। चाइनीज प्रोडक्ट्स इस बार ज्यादा नहीं बिके, 4 करोड़ का लॉस हुआ है ऐसा सुना गया है। हर जगह पर ये न्यूज चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है पूरे देश में, ना केवल व्यापारी बल्कि जो आम कंज्यूमर है उसके भी चाइना के माल के प्रति विरक्ति हुई है। हिंदुस्तान का बहुत ज्यादा प्रोफाउंड इंटरेस्ट है कि वागा के असर रसूख तो है, उनकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है, हम भी ये कर सकते हैं। और यही एक कारण है कि साल दर साल चाइना का जो सामान हिंदुस्तान आता था उसमें लगभग ना के बराबर अब वो उत्पाद आने लगे। हुआ ये है कि आरबीआई सीक्रेट मिशन जो कि आरबीआई ब्रिंग्स बैक अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड। आरबीआई 102 टन्स ऑफ गोल्ड वापस इंडिया ले आए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम अब सामने आ रहा है और हर जगह पर ये न्यूज चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कोई 5 मंथ्स बैक, आई थिंक मई के मंथ में या जून में, हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी। उस वक्त भी हर जगह पर ये खबर चल रही थी कि 100 टन इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने, इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया और इंग्लैंड से कहा कि हमारा 100 टन गोल्ड वापस कर दो, और वो 100 टन गोल्ड वापस आ गया। अब ये एक और 100 टन गोल्ड दिवाली के मौके पर वापस मंगवा लिया गया है। तो इसलिए मैंने कहा बधाइयाँ एंड शुभकामनाएं, डबल डबल बधाइयाँ, मुबारकबादें। अच्छा जी, अब देखें इसके कुछ एंगल्स हैं, ज़रा उसके पर बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कह रहे हैं लाइक इंडियन हाउस होल्ड इज कीन टू ब्रिंग मोर गोल्ड क्लोजर टू होम, और उसमें अब ये कहा गया है कि इट हैड शिप्ड 102 टन्स गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि लंदन में है, और अब ये गोल्ड सिक्योर लोकेशंस ऑफ इंडिया पर आ चुका है। अकॉर्डिंग टू आर बी आई लेटेस्ट फॉरन एक्सचेंज रिजर्व रिपोर्ट, द सेंट्रल बैंक जो है उसका 855 टन्स ऑफ गोल्ड है एज ऑफ द एंड ऑफ सेप्टेम्बर। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाए ना, ये तो 900 टन पर पहुंचा हुआ है काम, 900 टन गोल्ड है इनके पास। और इस पे विद ओवर हाफ ऑफ 510 टन्स जो है वो नाउ स्टोर्ड डोमेस्टिकली, वो इंडिया के अंदर ही उन्होंने सेफ लोकेशंस पर रख दिया है। दिस डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स ओवर ए ब्रॉडर ऑनगोइंग एफर्ट्स बाय आरबीआई एंड द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द नेशंस गोल्ड रिजर्व्स फ्रॉम पोटेंशियल रिस्क अब्रॉड। कारोबार करेंगे तो डिफेंस पे लगाएंगे, हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं नहीं कारोबार डिफेंस पे लाओ, कारोबार ना करो। हमने अपनी अब पाकिस्तान ने देखें, पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान हम बात करना चाहें भी तो हम नहीं कर सकते यार, उसकी शायद वजह ये है, ठीक है जी, कि हमारा दिमाग ही नहीं इस चीज़ पर चलता कि कितना ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए ऑन जिसे कहते हैं ना
हमें कितना ज़्यादा फोकस करना चाहिए डिफेंस के ऊपर, हमें कितना ज़्यादा फोकस करना चाहिए इकोनॉमी के ऊपर, जो हमें चीज़ करनी चाहिए हम उस पर नहीं करते, ठीक है। और अगर हम वो नहीं करते या हमें उसकी समझ है कि हम नहीं करेंगे तो हमारा क्या बनेगा भाई, सो अजीब किस्म की एक वो एक मुश्किल अथॉरिटी है जिसको हम जिसमें हम फंसे हुए हैं। और शायद आई विश कि जिस चीज़ को मैं समझता हूँ, मुझे जो चीज़ नज़र आती है या जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है या मैं जो जिसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये जो इन्होंने किया है पुल बैक करना, ये मैं समझता हूँ एक दिस इज़ अ लीडरशिप। ये बड़ी अहम बात है कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ये समझते हैं कि जो गोल्ड है और जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुई है, जो हालात हैं, उसमें क्या ये जो किसी दूसरे के बैंक में गोल्ड रखा हुआ है ये सही है, और ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई रिस्क हो, तो वो समझते हैं कि ये रिस्की हो सकता है। सिंस सेप्टेम्बर 2022 आरबीआई हैज़ क्वाइटली ब्रॉड बैक 214 टन्स ऑफ गोल्ड, ठीक है जी, यानी ये कि आप समझें कि 214-15 टन जो है वो वापस आ गया है। और ये जो है इसके अंदर और काफ़ी इसकी इन्हें केयरफुल प्लान सीक्रेट मिशन इन्वॉल्विंग स्पेशल फ्लाइट्स एंड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, ये है मतलब सीक्रेट मिशन जो इसको कहा गया, वो इसलिए कहा गया कि जो भारतीय हुकूमत ने ये सीक्रेट मिशन किया है गोल्ड मंगवाने का, उसके अंदर स्पेशल फ्लाइट्स की जाती है और इसकी सिक्योरिटी को बहुत हाई प्रोटोकॉल पे रखा जाता है, उन फ्लाइट्स की सिक्योरिटी को। आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द गोल्ड ट्रांसफर्स डिड नॉट लीक आउट। उन्होंने कहा ये तो मीडिया और सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तो यूं करके लीक होनी है कि जी आ रहा है, ये आने लगा है, तो उन्होंने कहा इसके बहुत ज़्यादा इसलिए ये सीक्रेट मिशन कहा जा रहा है कि इतना रखा गया इसको छुपा के कि किसी को पता ना चले, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है आजकल का तो मतलब हैकिंग में इतना ज़्यादा लोगों ने अपना एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, तो इस तरह की जो चीज़ें इसके अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर इसमें जो है ट्रांसफर लीक आउट ना हो, और शिपमेंट्स रिक्वायर्ड एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन टैक्स जो होता है वो नहीं दिया जाता टू फैसिलिटेट द स्मूथ मूवमेंट ऑफ गोल्ड। गवर्नमेंट इज ओपन टू फ्यूचर शिपमेंट्स। ऑफिशियल्स इंडिकेट दैट नो एडिशनल लार्ज स्केल रिपैट्रिएशन आर प्लान्ड फॉर दिस ईयर, लेकिन वो अगर होंगी तो आपको बताएंगे नहीं वो अगर उन्होंने कहा है कि नहीं होंगी तो समझ लें कि होंगी, ठीक है। अच्छा ये जो है ना, अब देखें मैं आपको ये बात बताऊं कि जैसे कि इसके अंदर भी हल्का फुल्का जिक्र कर दिया गया, लेकिन बात ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर बिजनेस स्टैंडर्ड जितने भी इंडियन इस वक्त वो चल रहे हैं, इंडिया के नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया, ये खबर पब्लिश कर ऑन बोथ साइड्स, एंड कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। विदाउट कंसिस्टेंसी, विदाउट क्लैरिटी, विदाउट लीडरशिप यू कांट डू इट, इसके बगैर आप नहीं कर सकते। एंड विदाउट लुकिंग इन फ्यूचर, आपको फ्यूचर में देखना पड़ता है भैया, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में नहीं देखते तो देन आप नहीं कर सकते। सो दिस इज लाइक यू नो, ये एक है, ठीक है। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि यू नो पाकिस्तान ये महसूस करता है, और अमेरिकन्स क्या महसूस करते हैं, पाकिस्तान ये महसूस करता है कि इंडिया चाइना की जो 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 है ना जो राइवलरी है वो हमारे लिए अच्छी है, ज़्यादा राइवलरी होगी, ज़्यादा हमारे लिए इंडिया और चाइना की, चाइना के साथ हमारी स्पेस। इस मरतबा दिवाली पर इंडिया में एक ये ख्याल पाया जाता था, एक ये सोच थी कि क्योंकि हम देखते रहे कि पिछले कुछ अरसे में चाइना और इंडिया के ताल्लुकात कैसे रहे, काफ़ी कशीदगी रही और काफ़ी ख़राब हालात रहे, तो इस वजह से वहाँ पर ये सोचा गया, ट्रेंड चलाया गया, ये अवेयरनेस पैदा की गई कि चाइना की प्रोडक्ट्स का इस दफ़ा बायकॉट करना है। अब आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी फेस्टिवल जब आता होता है, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, तो उस वक्त उस कंट्री के जो लोग हैं वो भरपूर तरीके से अपना ख़रीदारी करते हैं, और जिस कंट्री की जाहिर है कि वो चीज़ें खरीदते हैं उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। अब इंडिया के पास एक स्ट्रेंथ जिस पर बड़ी तनकीद की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है, इस वजह से पावर्टी भी है वगैरह वगैरह। आप ये सोचिए कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अरबों में है, उसकी वजह से वो
पॉपुलेशन उसकी स्ट्रेंथ भी किस तरह है। वो इस तरह है कि जब इंडिया में ये अवेयरनेस पैदा की गई, ये ट्रेंड चलाए गए और ये कहा गया कि इस मरतबा चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बायकॉट करना है, तो चाइना को जो लॉस हुआ है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50,000 करोड़ का लॉस हुआ इस मरतबा चाइना को। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फिगर्स हैं, कहीं पर यह भी लिखा गया है कि 7 to 8 billion dollars जो है वो लॉस हुआ है चाइना को इंडिया की इस एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, कि जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो इस मरतबा बाय नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा टूल है, यानी ये कि आप ये देखिए कि अब चाइना और इंडिया, इसके बावजूद कि दोनों के बीच इतनी राइवलरी है, वो ये जानते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। और शायद इसको अगर हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, कि लार्जर स्पेक्ट्रम में देखें, तो हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि शायद यही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की पॉलिसी जंग को रोके रखेगी, जंग नहीं होने देगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देगी। इस तरह की चीज़ें भी हम सोच सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इसका एंगल है। ये वही चीन है जो अब से कुछ साल पहले तक भारत में होने वाले त्योहार पर जमकर मुनाफा कमाता था, लेकिन आज यही चीन गिरावट के दौर से गुजर रहा है। तनाव का असर बहुत ज्यादा है, चीन पर लोग अब निर्भर कम रहना चाहते हैं। नतीजन चीन को अब 1,25,000 करोड़ रुपए के करीब नुकसान हुआ। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि किसी भी नेशन के लिए उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हैं वो उसको किस तरीके से कितना फ़ायदा पहुंचा सके, तो अपने मुल्क के अंदर पैदा हो रहा होता है वो भी हम दूसरों से मंगवा रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं उनसे। और दूसरी तरफ आप इंडिया को देखिए कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन रखता है, इसके बावजूद उसकी वहाँ पर जब ट्रेड होती है तो चाइना जैसा कंट्री जो कि उसका जो है वो दुश्मन समझा जाता है, वो भी उसके सामने घुटने टेकने पर इंडिया के सामने मजबूर हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को रिकंसिडर कीजिए, आप जो बायकॉट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स का वो मत कीजिए। तो ये एक बहुत ही अहम पहलू है मेरा ख्याल है कि दुनिया में कंट्रीज़ जो हैं वो इसी तरीके से तरक्की करते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये देखेगा कौन, मसलन अगर हम जब हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं तो पाकिस्तान को ये कौन बताएगा? यही जो हमारी हुकूमतें वही देखती हैं ना, उन्हीं के काम होते हैं कि वो देखें कि दूसरे लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब चाइना असल में तो पाकिस्तान का दोस्त है, यही कहा जाता है ना कि पाकिस्तान का तो शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची, समंदरों से गहरी दोस्ती तो पाकिस्तान की है। तो होना तो ये चाहिए था कि चाइना पाकिस्तान को इस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता कि यहाँ की प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीदता और इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि दुनिया इस तरह नहीं चलती, वो ये नहीं देखती कि दूसरों को फ़ायदा किस तरह होगा, वो ये देखती है कि हमारे लिए क्या, हमें किस तरीके से बेनिफिट होगा इस चीज़ का। और वो बेशक उनके दुश्मन ही क्यों ना, वो उनके पास जाते हैं, वो उनसे ख़रीदारी करते हैं और वो देखते हैं कि उनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, इसकी वजह यह है कि जब हमसे ख़रीदेंगे वो तो क्या ही